हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं जो दोस्तों फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से रिलेट रखते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से MCQs को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ बेफल प्लेट इज प्रेजेंट एबव द कंडेंसर टू प्रिवेंट इंट्रेनमेंट इन। तो सिंपल गैस हीटेड स्टॉक्स स्टिल, मल्टी ट्यूबलर स्टीम हीटेड स्टॉक्स स्टिल, एलेम्बिक स्टिल्स और वॉटर स्टिल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल गैस हीटेड स्टॉक्स स्टिल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इन वॉटर स्टिल द कोल्ड वॉटर एंटर्स द ब्लैक दे रखा है एंड गेट्स हीटेड बाई द स्टीम कंडेंसेट रिटर्निंग टू द ओवरफ्लो डिवाइस। तो इमर्जन हीटर, कंडेंस, बेफल्स और डिस्टिलिंग स्टील। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन वॉटर स्टील द कोल्ड वॉटर एंटर्स द कंडेंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडेंसर एंड गेट्स हीटेड बाय द स्टीम कंडेंसेट रिटर्निंग टू द ओवरफ्लो डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इन द हेड ऑफ वॉटर स्टील अ ब्लैंक दे रखा है इज प्रेजेंट फॉर रिमूविंग एंट्रेंड ड्रॉपलेट फ्रॉम द स्टीम। तो डिस्टिलिंग स्टील, बेफलिंग सिस्टम, ओवरफ्लो डिवाइस और कंडेंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेफलिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, ये नेक्स्ट चैप्टर है यानी 11th चैप्टर है दोस्तों फार्मास्यूटिक्स का, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस। दोस्तों, इसके MCQ जल्दी से देख लेते हैं कि दोस्तों आपके एग्जिट एग्जाम और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस बाई अप्लाइंग हीट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ड्राइंग, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड्स कैन बी डन आइदर मैकेनिकली और इवेपोरेशन, सेपरेशन, मास ट्रांसफर, थर्मली। दोस्तों, और इसे किस रूप में जाना जाता है, सेपरेशन यानी मैकेनिकली और सेपरेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ। दोस्तों, ड्राइंग को किस में डिफाइन किया जाता है, सेपरेशन के रूप में, इवेपोरेशन, मिक्सिंग और मास ट्रांसफर। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास ट्रांसफर, यानी ड्राइंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर। किसकी प्रोसेस है, मास ट्रांसफर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक दे रखा है, हैव एन ओवन लाइक एनक्लोजर। तो वैक्यूम ड्रायर्स, FBD, ट्रे ड्रायर्स और फ्रिज ड्रायर्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रे ड्रायर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन ट्रे ड्रायर्स ट्रेज आर प्लेस्ड ऑन, ब्लैंक दे रखा है, ऑन व्हील्स व्हिच कैन बी इजीली रोल्ड इनटू एंड आउट ऑफ द चैम्बर, ट्रक्स, चैम्बर, इंसुलेटेड वॉल्स और फैन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो ट्रे ड्रायर इज इक्विप्ड विद अ, ब्लैंक दे रखा है, टू सर्कुलेट एयर ओवर द ट्रेज। तो इंसुलेटेड वॉल्स, फैन, ड्रायर और ट्रक्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैन। तो ट्रे ड्रायर इज इक्विप्ड विद अ फैन, यानी फैन आ जाएगा इस ब्लैंक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ब्लैंक दे रखा है, प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ द चैम्बर गाइड द एयर टू फ्लो इन द डिजायर्ड पाथ। तो फैन, इंसुलेटेड वॉल्स, ट्रक्स और डायरेक्शन बेंस। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्शन बेंस, प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ द चैम्बर गाइड द एयर टू फ्लो इन द डिजायर्ड पाथ। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसी के साथ हमने टॉप 10 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।